हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा झा स्वागत करती हूँ आपका करियर नाउ में। देखो बीएसएफ विभाग की तरफ से बड़ी खुशखबरी आपके लिए निकल के आ रही है। आपका बीएसएफ आरओआरएम का रिजल्ट अभी निकल के अभी आपके सामने आया है। जो आपके दिल की धड़कने कई दिनों से बढ़ रही थी आपके रिजल्ट को लेके, वो घड़ी वो इंतकाम आज आ चुका है। तो उसके लिए देखो आपको कैसे रिजल्ट निकालना है और कहाँ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसमें आपको रिजल्ट कैसे चेक करना, वो सारी बातें आपको सर बताएंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं करियर नाउ की तरफ से, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो दे दी है। देखो अभी आपकी जो ड्यूटी है, देखो इस तरीके से आपको करनी पड़ेगी। अभी आप लाइव देख भी सकते हो, बारिश में कैसा भी मौसम हो, आपको ना अपने क्या है, देश की सेवा करनी है। देश की सेवा है वो सर्वोपरि, आप उसके अंदर पूरी अपनी भागीदारी देने भी वाले हो। देखना सबसे पहले तो आप जो बीएसएफ की यानी साइट पर जाओगे, आप बीएसएफ वहां पर लिखोगे गूगल पे, लिखने के बाद आप देखना बीएसएफ के ऊपर आपका रिजल्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे चलना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना ना, ऐसे जाओगे। उसके बाद में देखना यहाँ पे आपका एक आपका रिजल्ट का है, जो कंप्यूटर बेस्ड जो आपकी एग्जाम हुई थी उस एग्जाम का ये जो फर्स्ट पेज है उसका जो है रिजल्ट आ चुका है। आपका जो आरओ और आरएम दोनों का आ चुका है, इस पे क्लिक करोगे, आप क्लिक करते हैं आपकी पीडीएफ है वो डाउनलोड होकर आपके सामने दिख जाएगी। सामने दिखने के बाद देखना आपकी ये वाली पीडीएफ है, जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रही है, देखना वो भी अभी आप लोगों को बताई देते हैं। आपकी जो एग्जाम थी वो कब हुई थी, भी आपकी एग्जाम थी 29 तारीख को, है ना, 29 तारीख को आपकी एग्जाम हुई थी। आपको इसका तो पता ही, आपने एग्जाम दिया ही है, तो आप देखना 29 अगस्त को और आज तारीख कितनी हुई, अभी आज तारीख हो चुकी है आपकी 8 अक्टूबर, यानी कितना समय लगा, यानी लगभग 1.5 महीना समथिंग लगा है। तो 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, जो बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो बच्चे थे ना बार बार पूछ रहे हैं कि उनका, तो आप भी है ना आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आपका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। देखना इस टाइप से आप जाओगे, थोड़ा सा नीचे इसको निकालोगे तो ये जो आपकी मेरिट है, जो आपका कट ऑफ है वो कितना रहा है। देखना जो जनरल की है वो आपका ये जो मैं ये बताने वाला है, आप कितना कितना कट ऑफ रहने वाला है। बिल्कुल, देखो जनरल की कट ऑफ आपकी 92.5, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, आपकी एससी यानी आरओ की, और आरएम की आपकी 96.50, फिर आपकी देखो ईडब्ल्यूएस की कितनी है 94.250, फिर आपकी ओबीसी की 92 आपकी आरओ की रही है, और आरएम की आपकी 96.50, एससी की आपको देखो आरओ की रही है 74 यानी 74, और आपकी आरएम की रही है 81 यानी 81 रही है, एसटी की आपकी 66 और आरएम की आपकी 72 रही है। तो मैं बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है इन बच्चों के, तो एससी एसटी वालों के तो बड़ा बेनिफिट इसके सामने, क्योंकि जिसने भी थोड़ी बहुत ही अच्छी पढ़ाई की ना मिस्टर पे, तो उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बाकी आप लोग बता देख रहे हैं, ये तो आपका डायरेक्ट एंट्री वाला है। उसके बाद देखना जो एलईडी वाला है उसका जो है वो देखना आप, उसकी कट ऑफ आपकी आरओ की है 67.25 हो जाएगा, और उसकी है जो आरएम की है वो 76 हो जाएगी। उसके बाद देखना ये आप जो आपका एक्समैन वाले बच्चे भी, एक्समैन के ना वो वाले वो भी सबने एग्जाम दिया है, एक्समैन के जो पहले से जिन्होंने ना एक्समैन है पहले देश की सेवा कर ली, अब उनको फिर से मौका मिला है, तो उनकी कट ऑफ कितना गया, उनका देखना जो ओबीसी का है उसमें गया है। उसके बाद इनकी और कोई पोस्ट है नहीं भाई, क्योंकि इनका सबका एक दे रखा है ओबीसी से, हाँ 80 गई है। तो आपके अनुसार देखना आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। उसके बाद देखना आपका ये भी दे रखा है, इसका गया भाई, इसमें आरओ की पोस्ट नहीं थी, इसमें आरएम की थी, तो वो है भाई 77 गई है। उसके बाद देखना आपका जो रोल नंबर वगैरह है वो सारा इस पीडीएफ के अंदर डाल रखा है। ये अब आप लोग इसको चेक कैसे करोगे, हम लोग अभी केरी बना को जो टेलीग्राम ग्रुप है, आपकी लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मिल रहा है, उस लिंक पे जल्दी से आपका टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां पे तुरंत हम ये पीडीएफ डाल रहे हैं पूरी, जो आपका पीडीएफ रिजल्ट चेक कर सकते हो। क्लियर होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना आपको, ताकि आपकी जो मेहनत थी वो हमें पता चले कि किन किन का आपका पेपर है वो क्लियर। और सारे लोग भाई मिठाई वगैरह लेके जल्दी ही है ना हमारे पास आ ही जाना, बिना कहे आ जाना, ठीक है। और फिर से आपको केरे बनाओ की तरफ से आपकी उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम अब लास्ट में आपका कहना चाहते हैं। बिल्कुल भाई, देखो जो भी अदर आगे भी कोई अगर वैकेंसी का आपने फॉर्म लगा रखा, तो उसका भी देखो आपकी बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए भी बहुत जल्द ऐसे ही खुशखबरी आने वाली है। जैसे कि अचानक से आपकी बीएसएफ आरओ को खुशखबरी दी गई, आरओ वाले स्टूडेंट्स को दी गई, सेम उसी प्रकार से अचानक किसी भी दिन आपका ट्रेड्समैन का भी रिजल्ट आ सकता है। तो देखो यदि आपका इसमें भी यदि आपका पेपर क्लियर हो रहा है या फिर सिलेक्शन हो रहा है, तो भी आपकी नेक्स्ट वाली इससे उच्च लेवल की तैयारी में लग जाना, मेरा तो यही कहना है, रुकना नहीं है अभी, ठीक है। तो सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।